बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंट डाउन बुक थ्री थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर थ्री एक्सरसाइज थ्री ए क्वेश्चन नंबर फोर ऑन पेज नंबर 131 से स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फोर है सर्कल द करेक्ट फ्रैक्शन। हमारे पास देखें फ्रैक्शन तो बहुत सारी गिवन है हर शेप के नीचे, लेकिन जो फ्रैक्शन हमारी करेक्ट है हमने उसको क्या कर लेना है, सर्कल कर लेना है। फर्स्ट हमारे पास इन्होंने सॉल्व करके दी हुई है। यहाँ पर देखें हमारे पास फ्रैक्शन थी 1/2, 1/3 एंड 1/4। इन्होंने 1/3 को ही सर्कल किया है, इसलिए सर्कल किया है कि देखें शेडेड पार्ट तो सिर्फ और सिर्फ वन है, लेकिन जो टोटल पार्ट्स है वो हमारे पास है 1, 2 एंड 3, इसलिए इन्होंने 1/3 को सर्कल किया है। तो चलें नेक्स्ट बी शेप से स्टार्ट करते हैं। बी शेप में भी हमारे पास क्या ओनली वन पार्ट शेडेड है, तो नॉमिनेटर जो है वो तो सेम है, लेकिन डिनोमिनेटर किसका करेक्ट होगा, तो यहाँ से हम काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमारे पास क्या आया 6, इट मीन 1/6 जो हमारी फ्रैक्शन है वो क्या है, वो ठीक है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास शेप है, इसमें क्या है वन पार्ट शेडेड है, जो कि सबका नॉमिनेटर क्या है 1 है, तो किसका डिनोमिनेटर के साथ हमारी फ्रैक्शन करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए टोटल पार्ट्स काउंट कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, इट मीन 1/4 क्या है हमारा करेक्ट फ्रैक्शन है, हम इसको सर्कल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है, यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने पार्ट शेडेड हैं, 1 एंड 2 पार्ट्स हमारे पास शेडेड हैं। तो यहाँ पर देखिए दो फ्रैक्शन हैं जिनके नॉमिनेटर क्या हैं 2 हैं, लेकिन हम टोटल पार्ट काउंट कर लेते हैं, टोटल पार्ट्स हमारे पास हो गया 1, 2 एंड 3, इट्स मीन 2/3 हमारी क्या है करेक्ट फ्रैक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है शेडेड पार्ट 1 है, क्योंकि हमारे पास क्या है तीनों फ्रैक्शन का जो नॉमिनेटर है वो 1 है, डिनोमिनेटर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3, इट्स मीन 1/3 क्या है हमारा करेक्ट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है फ्रैक्शन है 1, 2, 3, 4, 5, टोटल पार्ट्स कितने हैं 5 एंड शेडेड पार्ट है 1, 2, 3, इट्स मीन 3/5 क्या है हमारी करेक्ट फ्रैक्शन है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कलर द ऑब्जेक्ट इन ईच ग्रुप टू शो द फ्रैक्शन। हम लोगों ने कलर्स करके शो करना है कि हमें जो कहा जा रहा है फ्रैक्शन के हिसाब से क्या हम उस हिसाब से कलर सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो प्यारे बच्चों सब अपने अपने कलर्स अपने हाथ में होल्ड कर लें ताकि हम अपने कलर्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। 1/2 से मुराद है कि हमारे पास 2 एप्पल्स हैं जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 एप्पल को हमने कलर करना है। तो चलें हम 1 एप्पल को कलर कर लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने खुद इससे कलर करना है। वीडियो के दौरान मुझे जल्दी जल्दी कलर करना पड़ रहा है, लेकिन आप लोग खुद तसल्ली से अच्छे वाला कलर कर लेना ताकि आप लोग के जो कलर्स हैं ना वो अच्छे लगें। नेक्स्ट हमारे पास है 2/6, यानी हमारे पास टोटल 6 बॉल्स हैं जिसमें से ओनली हमने 2 बॉल्स को, यानी जो हमारे पास नॉमिनेटर होता है जिसमें हमने वो कलर पार्ट होता है 2 बॉल्स को कलर करना है। तो यहाँ पर देखें ये 1 बॉल हो गया जिसको हमने कलर कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो चुका है, नेक्स्ट हमारा जो बॉल है वो ये है, हम नेक्स्ट इस बॉल को कलर कर लेते हैं। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है 2/6 वो क्या हो चुकी है, वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास है 1/4, हमने क्या करना है 1/4 हमारे पास टोमेटोज गिवन है, कह रहे हैं इसमें से 1/4, इट्स मीन कि 4 टोटल टोमेटोज हैं, डिनोमिनेटर 4 है, इट्स मीन 4 टोमेटोज हैं, ओनली 1 टोमेटो को हमने कलर करना है। तो यहाँ पर देखें हम ओनली 1 टोमेटो में ही कलर करेंगे, जिससे हमारा क्या हो जाएगा कलर के ज़रिए हमारी जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, वो वाजिया हो जाएगी। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर क्वेश्चन नंबर 6, कम्प्लीट द फॉलोइंग 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। कह रहे हैं कि आपने इस जो हमारे पास शेप्स गिवन है इनको कम्प्लीट करनी है। 1 शेप जो है हमें कलर करके इन्होंने और राइट करके भी समझा चुके हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो शेप है ये क्या है 1/2 है, 1/2 से मुराद है कि यहाँ पर हमारे पास 2 बॉक्सेज हैं टोटल, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो शो करता है कि हमारे पास टोटल कितने उस शेप में कितने पार्ट्स ही हुए। यहाँ पर हमारे पास जो स्क्वायर है इसमें टोटल 2 पार्ट्स है, 2 हमारा डिनोमिनेटर है। 1 से मुराद के हमारा कलर पार्ट हमारा क्या है जो नॉमिनेटर होता है वो क्या है कलर पार्ट को रिप्रेजेंट करे, ओनली 1 पार्ट है। तो कह रहे हैं अगर हम 1 एंड 1/2 को दोनों नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1, 2 ज़ार 2, 2, 2 ज़ार 4। अभी देखिए हमारी जो शेप है ये क्या बन चुकी है, कलर पार्ट इसमें हो चुके हैं 1
टू, लेकिन टोटल पार्ट इसमें क्या है, फोर थ्री फोर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। चले आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एक शेप है उसमें टोटल वन टू थ्री पार्ट्स हैं, थ्री हमारा डिनोमिनेटर है एंड कलर पार्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वन है, इसलिए हमारी फ्रैक्शन राइट की है वन बाय थ्री। अभी कह रहे हैं वन बाय थ्री को नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, कौन फ्रैक्शन हमारी क्या हो जाएगी। वन थ्री ज़र थ्री, थ्री थ्री ज़र नाइन। सो हमारी जो फ्रैक्शन थ्री बाई नाइन बन चुकी है वो हमारे इस डायग्राम के साथ मैच करिए, क्योंकि यहाँ पर देखें टोटल हमारे पास नाइन बॉक्सेस हैं, यानी वन बॉक्स को नाइन पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड थ्री पार्ट्स हमारे पास क्या है, कलर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब मुझे लग रहा है कि वीडियो में आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर देखें ये हमारा एक पार्ट कलर है, टू एंड थ्री ये बुक वालों ने खुद ही कलर किया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वो है हमारे पास एक स्क्वायर गिवन है जिसमें टोटल थ्री पार्ट्स हैं, थ्री हमारा डिनोमिनेटर है एंड कलर पार्ट्स हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टू हैं, तो टू बाय थ्री इन्होंने राइट किया है। इन्होंने यहाँ पर देखें टू बाय थ्री को, टू को भी थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया एंड थ्री को भी थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया, सो टू थ्री ज़र सिक्स, थ्री थ्री ज़र नाइन। सो हमारे पास जो शेप आ चुकी है ये क्या आ चुकी है, सिक्स। इसमें देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स हमारे पास शेडेड पार्ट है, सेवन एट एंड नाइन टोटल हमारे पार्ट्स कितने हैं, नाइन है। नेक्स्ट हमारे पास जो शेप है वन, इसमें कलर पार्ट है एंड टोटल इसमें पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर, इन्होंने राइट किया वन बाय फोर मल्टीप्लाई बाय वन को भी थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया एंड फोर को भी, वन थ्री ज़र थ्री एंड फोर थ्री ज़र ट्वेल्व। तो हमारे पास जो शेप है नेक्स्ट है उसमें देखें ये वन टू एंड थ्री, ये थ्री पार्ट्स क्या हैं, कलर हैं एंड बाकी पार्ट्स विदाउट कलर हैं, लेकिन हैं ये टोटल कितने, ये ट्वेल्व ही बॉक्सेस हैं इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वन बाय फाइव फ्रैक्शन है जिसमें वन पार्ट कलर है एंड फोर पार्ट्स में कलर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं वन को टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा टू, फाइव को टू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा टेन। इट्स मीन कि हमारे पास जो नेक्स्ट डायग्राम है वो क्या है, उसमें ओनली वन एंड टू, टू पार्ट्स क्या है, कलर है एंड बाकी रिमेनिंग जो एट पार्ट है उनमें कलर नहीं है। तो ये शो कर रहा है कि ये जो हमारा जो बॉक्स है, जो फिगर हमारे पास आए हुए वो क्या है, टू बाय टेन के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है वन टू थ्री, थ्री ही डिनोमिनेटर है, थ्री ही पार्ट्स है एंड थ्री ही कलर है। तो अभी यहाँ पर देखे कह रहे हैं थ्री को थ्री के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा नाइन, थ्री थ्री को साथ मल्टीप्लाई कर तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा नाइन। इट्स मीन के हमारा नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ क्या है, नाइन। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो शेप है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, टोटल इसमें कितने पार्ट्स बन गए, नाइन पार्ट्स हैं एंड नाइन के नाइन क्या है, कलर है। ठीक है, उम्मीद करूँगी क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन को स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर सेवन एक्सरसाइज थ्री ए का सबसे आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं लिखने से। लुक एट दिस फ्रैक्शन टेबल देन कंप्लीट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वन हैज बीन डन फॉर यू। कहते हैं कि हमारे पास जो फ्रैक्शन का जो टेबल गिवन है, ये क्या है, हमारे पास फ्रैक्शन का टेबल गिवन है, हमने इस पर देखना है और इसकी मदद से हमने हमारी जो फ्रैक्शन जो नीचे हमारे पास गिवन है हमको कंप्लीट करनी है। यहाँ पर देखें कह रहे हैं वन बाय थ्री इज इक्वल टू, कहते हैं कि वन बाय थ्री किसके इक्वल है, वन बाय थ्री कहाँ पर राइट किया हुआ है, वन बाय थ्री हमारे पास यहाँ पर राइट है ना। सो वन बाय थ्री का जो बॉक्स है वो कितना है, वो इतना है। इसमें कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल है, तो ये इक्वल है वन बाय सिक्स, वन बाय सिक्स यानी टू। देखें वन बाय सिक्स प्लस वन बाय सिक्स इज इक्वल टू टू बाय सिक्स के इक्वल है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने खुद से लिखा हुआ है टू बाय सिक्स, नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने सॉल्व करना है, फोर बाय सिक्स किसके इक्वल है, तो इट्स मीन ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर, यहाँ तक हमारा क्या बन गया है, फोर बाय सिक्स, फोर बाय सिक्स। चले हम पहले इनमें काउंटिंग लिख लेते हैं ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये वन बाय सिक्स, ये एक वन बाय सिक्स, ये दो वन बाय सिक्स, ये थ्री वन बाय सिक्स, ये फोर वन बाय सिक्स, फाइव वन बाय सिक्स एंड सिक्स बाय सिक्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि फोर बाय सिक्स से कितने हमारे पास पार्ट बन रहे हैं,
तो यहाँ पर देखिए 4/6 है ना, तो यहाँ पर हमारे पास कितने दिन और किसके, यहाँ पर 1/3 एंड 1/3 यानी 2/3 यानी दो, हमारे पास अगर 1/3 और 1/3 के दो फ्रैक्शन होंगे तब जाकर हमारे पास 4/6 के इक्वल हो आएगा। तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो हमारे नॉमिनेटर ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3। आप लोगों ने क्या करना होता है कि यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने 3 यानी कि जिनका डिनोमिनेटर 3 है वो कितने एक हमने ऐड किए, यहाँ पर देखें एक ये है और एक ये है, यानी दो को हमने ऐड किया ना तब जाकर हमारे पास क्या आए हैं 2/3। तो यहाँ पर भी हम काउंटिंग राइट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2/3। अब ये देखें ये है ना फ्रैक्शन हमारे पास 2/3 किसके बराबर है, 2/3 हमारे पास बराबर है 4/6 के, क्योंकि ये 4 है ना 4/6 के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास कह रहे हैं 6/6 किसके इक्वल है, सो 6/6 हमारे पास किसके इक्वल है, 3/3 के इक्वल है। 1/5 इज इक्वल टू, अभी नेक्स्ट हमारे पास ये वाला ब्लॉक टेबल आ चुका है, अब हमने इसको फोकस करना है। इस पर भी हम सेम नंबरिंग राइट कर देते हैं कि 1/5 ये हो जाएगा 2/5, 3/5 ये हो जाएगा 4/5 एंड 5/5। नेक्स्ट हो जाएगा ये भी 1/10, यहाँ पर 2 राइट कर देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये नंबर्स आप लोग भी राइट करें। नंबर्स के राइट करने का मकसद क्या होता है कि आप लोग को फ्रैक्शंस को जो कंपेयर करना होता है, इक्विवेलेंट करना होता है, उसमें आप लोग को आसानी आ जाती है। ठीक है, हमारे पास कह रहे हैं 1/10 किसकी, 1/5 किसकी इक्वल, यहाँ पर देखें 1/5 है ना, सो 1/5 किसके इक्वल है, 2/10 के इक्वल है, क्योंकि दो 1/10 एंड 1/10 दो 1/10 होंगे तब जाकर वो एक 1/5 के इक्वल होगा। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 2/10 यानी दो के इक्वल वो एक 1/5 आ जाएगा। 3/5 किसकी इक्वल है, तो यहाँ पर देखें 3/5 से मुराद नहीं है कि वो यहाँ तक, नौ पूरा बॉक्स जहाँ तक बॉक्स एंड हो रहा है ना वहाँ तक हम लोगों ने लेकर जाना है। सो 3/5 किसकी इक्वल है, 6/10 के इक्वल है। ठीक है, 2/5 किसकी इक्वल है, सो देखें 2/5 हमारे पास इक्वल है, ये बॉक्स यहाँ पर एंड हो रहा है, तो यहाँ पर एंड हो रहा है, तो लास्ट नंबर जो हमारे पास क्या है 4/10, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 4/10। 8/10 किसके इक्वल, तो यहाँ पर देखिए ये 8/10 है, 8/10 किसके इक्वल है, ऊपर हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 1/5 यानी 4/5 हम यहाँ पर राइट करेंगे। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3A कम्प्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।